नमस्कार जन सरोकार मंच अपने श्रोताओं के साथ एक महत्वपूर्ण विचारक के बीच आपके से जुड़ रहा है। राजेंद्र गर्ग साहब को एक सुलझे हुए विचारक के रूप में सभी जानते हैं, तो हमारी श्रृंखला जिसमें हम आजकल बात कर रहे हैं आज के सवाल, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश में ही नहीं बाहर भी एक चीज बड़ी व्यापक स्तर पे दिखाई दे रही है कि राष्ट्रवाद को लेकर लोग चैतन्य भी हैं, जागरूक भी हैं, लेकिन उलझन भी है कि राष्ट्रवाद को सही परिप्रेक्ष्य में हम किस तरह स्वीकार कर रहे हैं या किस तरह उसको महसूस कर रहे हैं या आगे करना चाहिए। तो गर्ग साहब से मैं आग्रह है, गर्ग साहब कृपया अपने विचारों से अवगत कराते हुए हमें इस बात पर केंद्रित होते हुए कि राष्ट्रवाद तो 19वीं सदी से उससे भी पहले से आरंभ है व्यापक विश्वव्यापक स्तर पर। 1857 भी हमने देखा और आज की जो स्थितियां हैं, जो आज का भारत और आज के भारत में जो राष्ट्रवाद है, इन सभी बातों को थोड़ा सा मर्ज करते हुए आदरणीय गर्ग साहब से आग्रह है कि वो अपनी बात कहें। सबसे पहले तो मैं अशोक सक्सेना साहब का अभिवादन करता हूँ। उन्होंने बौद्धिक जागृति का बेड़ा उठाया हुआ है और विभिन्न विषयों पर ये चर्चा करते रहते हैं, और हमारे देवेंद्र जी जोशी इस सारे काम के संयोजक हैं, तो मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। अब हम आज राष्ट्रवाद की चर्चा करेंगे वैश्विक संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। जैसा कि सक्सेना साहब ने कहा, राष्ट्रवाद जो है कोई इस पृथ्वी पर बहुत सारी जनसंख्या है, कोई जनसमूह अन्य जन समुदायों से अपने आप को थोड़ा अलग समझे और उसमें एक प्रकार की एकता और एकजुटता इस आधार पे पैदा हो कि उनकी इतिहास, उनकी परंपराएं, उनके संघर्ष, उनकी कल्चर, वो विशिष्ट है, अन्यों से अलग है। ये भाव जब आता है तो ये राष्ट्रवाद पैदा होता है। वैसे मनुष्य तो एक टेरिटरी बनाने वाला प्राणी है, जैसे सभी जो प्राणी हैं, जंगल में शेर है या शहरों में जैसे कुत्ते हैं या कोई दूसरे जानवर हैं, अपनी एक टेरिटरी बनाते हैं, उसमें वो किसी दूसरे को अलाउ नहीं करते प्रवेश करना। तो वैसे ही मनुष्य में भी वो प्रवृत्ति है, क्योंकि हम सभी प्राणी आखिरकार एक ही पूर्वज से निकले हैं। तो बहुत पहले जब हम ट्राइबल स्टेज में थे जंगलों में, तो ज़्यादा बड़े ट्राइब तो नहीं होते थे, 150-200 आदमियों का कोई ट्राइब होता था। फिर 10-20 किलोमीटर दूर कोई 100-150 आदमियों का दूसरा ट्राइब होता था, इसी तरह फिर तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह हजारों ट्राइब्स थे पूरे पृथ्वी पर फैले हुए थे। लेकिन वो उन ट्राइब्स को जो 150-200 लोग हैं, ऐसा मानिए कि उनका भी एक राष्ट्रवाद था। वो अपने झुंड के प्रति बहुत वफादार हुआ करते थे और दूसरे झुंड से उनका संघर्ष चलता रहता था, और
और उस संघर्ष में जो बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे वो ज्यादा बड़े देशभक्त कहलाते थे फिर। तो ये धीरे धीरे जब आदमी कृषि अवस्था में आया तो जब दोनों छः छः महीने में फसलें आने लगी तो फिर जंगलों को साफ करके गांव बने, ताकि क्योंकि फसल तो छः महीने बाद आएगी तो छः महीने तक तो रहना ही पड़ेगा ना। तो फिर वो गांव बन गए, तो गांव बने तो फिर एक ग्राम स्वराज जैसा कोई राष्ट्रवाद आ गया कि भाई ये हमारा गांव है और इसके चारों तरफ हमारी खेती की जमीन है और ये हमारा राष्ट्र है और दूसरे जो झुंड है दूसरा गांव है उसका दूसरा है। और उनमें आपस में प्रतियोगिता भी चलती थी, सब कुछ था। तो इस प्रकार से जो बाद में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो राज्य और बड़े हो गए क्योंकि आवागमन के साधन तेज हो गए, सारे इलाके में ट्रेन, रेलवे लाइनें, बसें, सड़कें ये हो गई। तो अब जो वो ट्राइब था वो ज़्यादा लंबे चौड़े इलाके में अपना एक राष्ट्र जैसा महसूस करने लगा कि ये हमारा इलाका है, इतना इतना ये हमारा राष्ट्र है। तो इस तरह से ये राष्ट्र जो है समय के अनुसार इसका बढ़ता गया है और अब हम एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि बड़े राष्ट्र भी हैं, छोटे भी हैं। भारत जैसे बहुत बड़े राष्ट्र हैं, चीन है, भारत है, और छोटे छोटे भी हैं। तो लेकिन उन सब में ये भावना है कि भाई हमारा एक इतिहास है, हमने साथ साथ युद्ध लड़े हैं, साथ साथ संघर्ष किए हैं, दुश्मनों से मुकाबला किया है, तो और साथ साथ हमने कष्ट भी झेले हैं। तो ये भावना जो है एक राष्ट्र वाली भावना पैदा हो जाती है। ये राष्ट्रवाद, ये समझिए कि पहले छोटे छोटे राज्य थे लेकिन लगभग 18वीं सदी और 19वीं सदी, 18वीं सदी से ही राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में फैलने लगी। और देखिए ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद भी राष्ट्रवाद पूरे यूरोप में फैला। और फिर इतने बड़े जनसमुदाय को एकता में बनाए रखने के लिए बहुत सी चीज़ें सहायक होती है, जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्र का कोई झंडा है, राष्ट्र की कोई लोक कथाएं, पुराण कथाएं हैं जो कॉमन है उस राष्ट्र में, जो पूरी जनता को बांध के रखती है। जैसे हम यहाँ भारत में हैं, राम और कृष्ण इत्यादि इन चीज़ों से, इन कथाओं से हम जुड़े हुए हैं। तो कॉमन मिथ्स और कॉमन झंडा और कॉमन नैरेटिव, हमारी हमारा इतिहास, हमारी कहानी जो भी है वो कॉमन, वो हर राष्ट्र की होती है। ये सारी चीज़ें राष्ट्रों को जोड़ के रखती है और एक भूमि तो होती ही है। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रवाद 18वीं सदी से लेके 19वीं सदी तक एशिया, अफ्रीका, यूरोप के विभिन्न देशों में फैलता रहा, सबसे पहले यूरोप में। और उसके बाद फिर ये जो है, जैसे एशिया में भी चाइना, तो चाइना तो हजारों साल से सम्राट के साम्राज्य में था, लेकिन फिर एक पार्टी नई बनी वहाँ, कोमिंतोंग पार्टी बनी, तो उसने जो है फ्यूडलिज्म के खिलाफ संघर्ष किया, तानाशाही राज्य की सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया, डेमोक्रेसी के लिए लड़े वो, और अंत में वहाँ पर कोमिंतोंग आ गए। लेकिन वो सरकार भी ज़्यादा नहीं चली, फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई वहाँ। तो उसके बाद तो उसी तरह से यूनान में जो है प्राचीन महान अतीत को याद करके, यूनान जो बहुत सारे राज्यों में बिखरा हुआ था वो धीरे धीरे यूनिफिकेशन हुआ यूनान का भी। ओटोमन एम्पायर ने बहुत सी जमीन
यूनान की दबा रखी थी वो धीरे धीरे इन्होंने उससे निकाली, छीनी। उसी तरह अफ्रीका के सभी देशों में कॉलोनियल पावर्स का कब्जा था, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन वगैरह, पुर्तगाल, ये सब देश कब्जा किए बैठे थे। तो इनसे स्वतंत्रता संघर्ष उनका चला और संघर्ष के दौरान वहाँ राष्ट्रीयता का भाव पैदा होता चला गया। संघर्ष जरूरी है राष्ट्रीयता के भाव में। उसी तरह मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के देशों में, अरब दुनिया में, ये भी यूरोपियन शक्तियों के दबाव में और प्रभाव में थी, बहुत सारे छोटे छोटे इलाके। तो इन्होंने भी संघर्ष किया आज़ादी के लिए। तो कॉलोनियल पावर से लड़ते लड़ते यहाँ भी राष्ट्र बन गए, जिनको आज हम बहुत सारे, जो ईरान है, इराक है, और कुवैत है, सीरिया है, लेबनान है, मिस्र है, वगैरह वगैरह, ये हो गए। तो होता क्या है कि संघर्ष और युद्ध जब करना पड़ता है किसी इलाके में, किसी कौम को, समुदाय को, या फिर उसको किसी आक्रमण का खतरा होता है, तो उससे राष्ट्रवाद को शक्ति मिलती है, राष्ट्रवाद की भावना को शक्ति मिलती है। और अगर खतरा नहीं रहता किसी भी तरह का, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आंतरिक विखंडन भी चालू हो जाता है। जैसे वो परिवार की तरह है कि परिवार में जैसे बहुत सारे भाई, उनके परिवार हैं, अब उनके भी बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, बड़े हो गए, तो थोड़ा सा फिर वो होता रहता है ना। तो अब अगर उस परिवार का किसी पड़ोसी से विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, मुकदमेबाजी हो जाए, या और लड़ाई हो जाए, तो एकता आ जाएगी उस परिवार में जो लड़ रहे थे कुछ समय के लिए। तो इस तरह से बाहरी थ्रेट, बाहर का खतरा, ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, और इसके न होने पर आंतरिक झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसीलिए एक शत्रु भी चाहिए। जैसे अब हम यहाँ देखें कि भाई हमने पाकिस्तान वगैरह की बात करते रहते हैं, पाकिस्तान वाले चीन या भारत की बात करते रहते हैं, और अपनी जनता को वो भयभीत बनाए रखते हैं। तो इन सब चीज़ों से राष्ट्रवाद और एकता बनी रहती है। अब राष्ट्रवाद एक तरह से कई डिग्री के राष्ट्रवाद हैं, कुछ सॉफ्ट है और कुछ बड़े हार्ड है। कुछ तो जेनोफोबिक नेशनलिज्म है। जेनोफोबिक का मतलब है कि मेरे देश के अलावा सब देश, बाहर के जो देश हैं, वो दुश्मन हैं, वो तो साजिश करते रहते हैं हमारे खिलाफ, उनसे हमको लगातार खतरा है। ये भावना अगर बनी हुई है तो वो जेनोफोबिक नेशनलिज्म वहाँ की जनता में पैदा हो जाता है। और कई देश ऐसे भी हैं कि जहाँ इस प्रकार की भावनाएं नहीं है, जैसे अभी वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, उधर थोड़ा सा फ्रांस है, पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, इनको इस तरह के बाहरी खतरे, तो फिर वहाँ पर थोड़ा हल्का मॉडरेशन में राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद में एक तो एक जिंगोइज्म किस्म का राष्ट्रवाद है कि मैं और मेरा देश ये सबसे महान है और कभी गलत नहीं हो सकते, और बाकी अन्य देश गलत हैं और वो महान नहीं है, वो बहुत घटिया किस्म के देश है, ये भावना, ये जिंगोइस्टिक राष्ट्रवाद हो गया। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो देखा जाए तो जैसे इसी, इन सब बातों को देख करके ही आइंस्टाइन ने ये कहा था कि जो नेशनलिज्म है, दिस इज द मिजल्स ऑफ मैनकाइंड, ये मनुष्य जाति का मिजल्स है, वो जो बीमारी है ना, छोटी माता जिसको कहते हैं, वो जो बचपन में होती है, तो वो मैनकाइंड की बीमारी है ये राष्ट्रवाद। क्योंकि इसमें हम और वे, हम लोग और वे लोग, इस तरह का डिवीजन मन में होना बहुत आवश्यक है। और ये जो
हम और वह, हम और हमारा दुश्मन। दुश्मन कई बार इसलिए काम आता है कि वो हमारे अंदर यूनिटी बनाए रखता है। तो इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रवाद जो है जन्मजात रूप से ही विभाजनकारी है, कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं। और क्योंकि कोई भी देश कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, उसमें विभिन्न प्रकार के जन समुदाय रहते हैं। जैसे अभी हमने देखा मणिपुर तो छोटा सा इलाका है, वहाँ 50 तरह के ट्राइब्स हैं जो जिनमें कभी कभी हो जाता है संघर्ष। तो इसलिए कोई भी छोटा या बड़ा देश ऐसा नहीं है कि जहाँ एक ही कल्चर, एक ही हिस्ट्री, एक ही धर्म, एक ही नस्ल हो, ये बात कहना ही गलत है। ये सब जगह विभिन्नताओं में ही एकता है, केवल भारत में ही नहीं है। तो इसलिए कई बार बाहरी खतरा और बाहरी शत्रु का सहारा लेता है राष्ट्रवाद। अब जैसे यूरोप में पहले इटली में और जर्मनी में एकीकरण शुरू हुआ। जर्मनी आप देखिए 300 राज्य थे उसमें, जो जर्मनी हम कहते हैं, 300 अलग अलग राजा थे, किंगडम्स थे उनमें। हालांकि प्रशिया और ऑस्ट्रिया ये प्रमुख थे दो, लेकिन बाकी 300 राजा थे जो आपस में रात दिन लड़ते थे, जैसे भारत में लड़ा करते थे। तो कई बार राष्ट्रवाद जो है गलत स्वरूप ले लेता है। जैसे जर्मनी का ही अब बात चल गई तो मैं बताऊं कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार में बुरी तरह बर्बाद हो गया, अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई, शहर बर्बाद हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए। और ये देखिए कि वहाँ की मुद्रा भी जो है ना, उसकी कोई कीमत नहीं रही। आप बोरे भर के नोट ले जाओ तो थैला भर के सब्जी लाओ, ये हालत हो गई थी जर्मनी की। तो जर्मनी में एक तरह से भूख और बेरोजगारी और परेशानी सारी जनता थी। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब समझौता हुआ, तो उस समझौते में जर्मनी की जमीन भी फ्रांस ने काफ़ी छीन ली और दूसरे देशों ने भी। ये वर्षा संधि कहलाती है। तो उसमें और एक प्रजातांत्रिक सरकार भी जर्मनी में थी, लेकिन वो थोड़ी कमज़ोर थी और ब्रिटेन और अमेरिका जो सहायता कर रहे थे जर्मनी की, उन्होंने भी सहायता हटा ली। तो हालत इसी ख़राब हो गई और लोग कहने लगे कि ये सरकार अभी निकम्मी है और हमारा जो नुकसान हुआ है वर्सा संधि में वो पूरा होना चाहिए किसी भी तरह से। तो हिटलर उस समय एक छोटा मोटा आदमी था, एक मामूली ग्रुप था उसके पास, और तो उसने इसका फ़ायदा उठाया। अच्छा बोलने वाला था, भाषण करने वाला, जगह जगह पूरी जर्मनी में सब जगह गया और उनको कहा उसने कि जर्मन लोगों तुम कमज़ोर नहीं हो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करो, मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। हैं, और उसके पास एक ऐसी छोटे मोटे 10-20 हज़ार की फौज भी थी, जो फौज भी आधी फौज थी और सिविलियंस थे एक तरह से, ब्राउन शर्ट वाले, जो उनको उन्होंने ब्राउन शर्ट पहना दी हिटलर ने कि, और तो वो हिटलर की रक्षा करती थी। धीरे धीरे हिटलर जनता में लोकप्रिय होता चला गया। उसने कहा कि जर्मनी का जो वर्तमान सरकार है इसने बहुत बुरा अपमान कराया और मैं इसका बदला लूँगा और मैं पड़ोसी सब देशों को ठिकाने लगा दूंगा। और क्या समझते हैं वो जर्मनी को, उनको पता अब चलेगा। तो लोगों को बड़ा आश्वासन मिला कि ये तो कोई आदमी आया है जो जर्मनी की नैया पार लगा देगा। तो वो शक्तिशाली हो गया। अब एक और दुश्मन अंदर भी चाहिए, अंदर भी एक शत्रु चाहिए जिससे कि बाकी लोग लड़े हैं। तो वहाँ यहूदी रहते थे बेचारे, वो उनकी आबादी मुश्किल से 1-1.5% थी। हिटलर ने ऐसा प्रचार किया कि सारी समस्याओं की जड़ यहूदी लोग हैं, इन्हीं की वजह से बेरोजगारी है, इन्हीं की वजह से बीमारियां फैलती है, इन्हीं की वजह से सब कुछ है, सारी समस्या। अब लगातार प्रचार करने पर क्या होता है कि झूठ भी आदमी को सत्य नज़र आने लगता है। तो उसका जो प्रचार मंत्री था गोइबल्स, उसने प्रचार लगातार किया और हिटलर की जो फौज थी वो क्या करती थी कि हिटलर की सभाओं में तो वो तालियां बजाती थी,
और जो विपक्षी पार्टियों की सरकारें थी उनको डिस्टर्ब करती थी, हल्ला गुल्ला करती थी, तो उनकी सभाएं नहीं होने देती थी। तो इस प्रकार से यहूदियों को और साम्यवादियों को दोनों को हिटलर ने दुश्मन मान करके और सारी जनता को भड़का दिया, प्रेस पर अखबारों पर कब्जा कर लिया। हिटलर की आलोचना करने का मतलब है जर्मनी के दुश्मन हो आप, यानी देशद्रोही हो। और एक सीक्रेट पुलिस गेस्टेपो वो सारी जर्मनी में फैल गई, जो एक एक आदमी की खबर रखती थी और हिटलर तक पहुंचाती थी। तो हिटलर ने बहुतों को कैद कर लिया और कंसंट्रेशन कैंप बनाए जिनमें यहूदियों को लाखों की संख्या में भर दिया। और हुआ ये, सारी यूनिवर्सिटियों पे कब्जा कर लिया हिटलर ने, अपने वाइस चांसलर रख दिए और नई शिक्षा नीति वहाँ शुरू करी जर्मनी में। तो ये उसमें सब हिटलर का ही प्रचार था। तो हुआ ये, और ये भी प्रचार किया कि हम तो श्रेष्ठ लोग हैं, आर्य नस्ल के हैं, और ये यहूदी वगैरह दूसरे जो है इनको जर्मनी में रहने का अधिकार नहीं है। तो नफरत इतनी बढ़ गई कि 70-75 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों में भर भर करके और गैस छोड़ दी गई और उनको मार डाला गया। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा हत्याकांड हिटलर ने किया। तो क्या होता है कि राष्ट्रवाद जब ज़्यादा तेज, ज़्यादा कठोरता की तरफ बढ़ जाता है तो ये परिणाम होते हैं। वैसा ही इटली में मुसोलिनी ने किया। तो ये ऐसे एक उदाहरण है हमारे सामने। अब ये हमने देख लिया, ये जो है आपकी 20वीं सदी का राष्ट्रवाद के ऊपर हमने विचार कर लिया। अब 21वीं सदी की बात करें तो 21वीं सदी में कोई परिवर्तन आए, क्यों आए कि 20वीं सदी में तो देखिए फासिज्म, कम्युनिज्म और लिबरलिज्म यानी उदारतावाद, इन तीनों में कंपटीशन था। तो फासिज्म तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ख़त्म ही हो गया जर्मनी और इटली में जो आया था नाजीज़म वगैरह, और कम्युनिज्म जो सोवियत रशिया और चाइना में था वो भी 1960 के बाद कमज़ोर होने लगा, 70-80 85 तक आते आते वो भी ख़त्म हो गया कम्युनिज्म भी। अब बचा केवल लिबरल डेमोक्रेसी। तो लिबरलिज्म अब 21वीं सदी का जो राष्ट्रवाद है उस पर हम आते हैं कि ये जो लिबरलिज्म था, लिबरल डेमोक्रेसी थी, वो भी अब खतरे में है। और अब ऐसा लगता है कि लिबरलिज्म लड़ाई में पीछे हट रहा है, लिबरल डेमोक्रेसी सब देशों में पीछे हट रही है। इसके कुछ कारण हैं। एक तो ये जो बहुत बड़ा इन्फोटेक सूचना क्रांति हुई है, तो इससे क्या हुआ कि सरकारों की ताकत बहुत बढ़ गई। सरकारों के पास डिजिटल इंफॉर्मेशन इतनी है कि हर व्यक्ति के बारे में कोई भी सरकार सब कुछ जानती है, सारा डेटा उसके पास है। तो सरकारें बहुत ताकतवर हो गई और जो सत्ता वाले लोग हैं वो लगातार जो अन्य है, अदर, दूसरा यानी दुश्मन या आंतरिक दुश्मन, उसके खिलाफ लगातार दुष्प्रचार करने की जो शक्ति है वो पहले तो केवल अखबारों के माध्यम से थी, फिर रेडियो भी इतना ही था, अब वो घर घर में टीवी, और टीवी भी क्या, अब तो सोशल मीडिया, तो वो पहुंच गई। तो सरकारें बहुत शक्तिशाली हो गई। और अब सरकारें क्या कर रही है, सभी देशों में सरकारें, कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्राचीन इतिहास के गौरव की बातें करने लगी। जैसे ट्रंप साहब आए तो ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिका की जो अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और मैक्सिको अमेरिका की सीमा पर भी उसने दीवारें बना दी, और अमेरिका को जो क्लाइमेट संबंधी जो संस्थाएं थी जलवायु रक्षा करने वाली उनसे भी दूर हटा लिया, और यूएनओ में सबसे ज़्यादा फंड अमेरिका देता था,
तो वो फंड भी उसने बहुत कम कर दिया या लगभग बंद कर दिया, और वो कहने लगा कि हम तो अमेरिका को उसका प्राचीन गौरव दिलाएंगे। और ट्रंप के काफ़ी लोग फॉलोअर हो गए। आपको ताज्जुब होगा कि चीन जैसा कम्युनिस्ट देश भी अब जो है पिछले 15-20 साल से कन्फ्यूशियस की बात करने लगा है, जो 2500 साल पहले चीन में बड़ा विचारक हुआ था। कन्फ्यूशियस जैसी महानता हम चीन में पैदा करना चाहते हैं, हम उस युग में चीन को ले जाएंगे जो चीन का शानदार अतीत था। और अभी पुतिन साहब भी बार बार बोलते रहते हैं रूस में कि रशिया को मैं प्राचीन जो ग्लोरी है, शान शौकत है, वो दिला के रहूँगा। यूक्रेन पर आक्रमण भी उसी का एक कदम था। तो यानी जो देश हमसे निकल भी गए हैं उनको भी हम वापस अपने प्रभाव मंडल में लाएंगे, और रूस को प्राचीन गौरव में ले जाऊंगा, मैं अतीत में ले जाऊंगा, ये बात रूस में करने लग गए हो। ये सरकारें इसलिए करती है कि उनकी शक्ति इससे बढ़ती है, जनता इन बातों से खुश होती है कि देखिए हमारे महान पूर्वजों की बात कर रही सरकार, तो पूर्वज तो महान थे ही। और जनता ये मानती है कि पूर्वज महान होंगे तभी तो हम भी महान होंगे, तो इसलिए वो ऐसा विश्व गुरु वाला जो भाव है वो ये लोग जगाते हैं सारी दुनिया में। और टर्की में देखो आप, टर्की में जो नया जो वहाँ का प्रेसिडेंट 2 बार इलेक्ट हो गया, वो कहता है कि जो पुराना जो टर्की था साम्राज्य, टर्की से एम्पायर, उस शान शौकत को मैं वापस लाना चाहता हूँ। और उसी तरह आप देखिए कि मध्य पूर्व में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, वो तो और भी कमाल करते हैं। वो तो कहते हैं कि हम जो है 1600-1700 साल पहले जो हमारा जो हमारे प्रोफेट साहब ने जो मदीना में राज्य चलाया था न्यायपूर्वक सत्यपूर्वक, वैसा हम सारी दुनिया में स्थापित करेंगे या कम से कम मध्य पूर्व में तो करेंगे। तो वो प्राचीनता की तरफ वो भी लौट रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इज़राइल जो यहूदी सब जगह बिखरे हुए थे बेचारे, यूरोप में हर एक देश में थोड़ी थोड़ी यहूदी थे, और पहले तो इनको 4-5 हज़ार साल पहले तो मिस्र वाले ले गए थे दास बना करके, इन्हीं से पिरामिड बनवाए, और बाद में मोजेस मूसा हजरत मूसा इनको वहाँ से लेके आए। तो उसके बाद इज़राइल मतलब ये जो यहूदी लोग हैं वो बिखर गए सारी दुनिया में और बेचारे सेकंड क्लास सिटीजन बने रहे, अत्याचार इन पर बहुत हुए जैसे हिटलर ने किया। तो अब जब इन्होंने इनका फिर इज़राइल ने अन्य सभी राष्ट्रों ने समझौता किया, एक देश बन गया इनका मध्य पूर्व में, इज़राइल कहते हैं उसका नाम। और अब इज़राइल बात करता है कि हम तो हज़रत मूसा के ज़माने में बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है उस ज़माने में जो शान शौकत थी हमारी, हम उधर जाएंगे वापस, वैसा प्राप्त करके रहेंगे। यानी वो विश्व गुरु वाली बात, ओल्ड टेस्टामेंट वाली बात। और वो कहते हैं कि हम तो अल अस्का जो मस्जिद है इसको गिरा करके और यहोवा का हमारे गॉड का टेंपल बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। तो वो इज़राइल वाले भी यही कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये एक सरकारों द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाना और डेमोक्रेसी को ख़त्म सा कर देने का एक प्रकार से तरीका है कि वो अतीत के गौरव की बात करते हैं, चाहे गौरव हो या ना हो। तो ये इसलिए बहुत से जो विचारक हैं वो राष्ट्रवाद को पसंद भी नहीं करते। लेकिन अभी एक एक विचारक मैं पढ़ रहा था, क्या नाम उसका, तो उसने जो किताब लिखी है ना 21 questions 21 problems from the 21st century, तो वो क्या नाम उसका, मेरे को इस समय दिमाग में से निकल गया। तो वो कहता है कि अब ये राष्ट्रवाद भी हमारी जो प्लैनेट की, पृथ्वी की जो समस्याएं उनका हल नहीं कर सकता, जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण खत्म हो रहा है, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की बर्फ तेजी से पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,
तो समुद्र का तल जब बर्फ पिघल के आएगा पानी, तो समुद्र का तल जो है ऊंचा होगा, तो कई महाद्वीपों के कई हिस्से डूब जाएंगे, शहर डूब जाएंगे। ओजोन गैस ऊपर जो रेडिएशन से हमारी हिफाजत करती है 10-20 किलोमीटर ऊपर है, वो ख़त्म हो रही है, तो उसको वो पर्यावरण के विनाश के कारण ख़त्म हो रही है। अब यह परमाणु युद्ध का भी एक खतरा है कि कोई भी दो परमाणु शक्तियां अगर लड़ती हैं तो वो दो ही देश नष्ट नहीं होंगे, सारी मानव जाति और प्राणी मात्र भी नष्ट हो जाएंगे। तो इस खतरे से भी राष्ट्रवाद हमको नहीं बचा सकता। ये उस थिंकर ने कहा है, जो बात सही मुझे लगी। तो अब जो 21वीं सदी का जो राष्ट्रवाद है, तो वो देखिए कि जो राष्ट्र बन चुके थे वो भी टूटने के कगार पर हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में। अब पता नहीं नियति हमें किधर ले जा रही है इस पृथ्वी को, कि अब जैसे आप देखिए युगोस्लाविया था, तो उसके क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया है ना, और इस तरह के बहुत से देश बन गए, क्योंकि वो अलग अलग जातियां वहाँ रहती थी। एक ही मैंने बताया ना कि कितना ही छोटा इलाका हो, एक नस्ल, एक जाति, एक धर्म, एक संस्कृति तो नहीं होती संभव, सब अलग अलग होते हैं, उनमें सामंजस्य बनाना पड़ता है। तो उस तो युगोस्लाविया जैसा छोटा सा देश, जो हमारे राजस्थान का भी आधा, वही टुकड़े टुकड़े हो गया। तो उसी तरह से आप देखिए कि USSR कितना बड़ा देश था, बहुत सारे देश उसके प्रभाव मंडल से निकल गए। तो ये है जो टुकड़े थे, ये यूक्रेन भी पहले रूस में ही था, अब अलग निकल गया। तो इस तरह से जॉर्जिया है, क्रीमिया है, ये सारे, उसी तरह से पोलैंड और हंगरी और चेकोस्लोवाकिया और ईस्ट जर्मनी जो रूस के प्रभाव में थे, ये अब नाटो में आ गए, ये अमेरिका के प्रभाव में चले गए। तो उसी तरह से छोटे छोटे जो और भी रूस के हिस्से थे, जैसे लेटविया है ना, और बुल्गारिया, ये इनके प्रभाव में थे, ये ख़त्म हो गए। ये सारे हम देखेंगे क्यों हो गए, क्योंकि हर जो कंपोनेंट है किसी देश का, हर अलग समुदाय है, वो अपने अपनी अपने को स्वतंत्र वो मानता है, तो इसलिए ये हो रहा है। और आप देखिए कि जो बर्मा, जो शांत बौद्ध देश था बर्मा, म्यांमार जिसे कहते हैं, अब वहाँ मिलिटेंट बुद्धिज्म आ गया है, सैनिक बुद्धिज्म, और वहाँ से निकाल रहे हैं वो लोगों को, रोहिंग्यास को निकाल रहे हैं और लोगों को निकाल रहे हैं। तो श्रीलंका शांत देश था, बौद्धों का देश था, अहिंसा से आप्लावित देश था, तो श्रीलंका में भी मिलिटेंट बुद्धिज्म आ गया, तो वहाँ जो है तमिलों और बौद्धों के खूनी लड़ाई रात दिन होती रहती है, थाईलैंड टुकड़े टुकड़े होता जा रहा है। जापान जो सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत नुकसान उठा चुका था, अब जापान भी बीच में तो उसने विसैन्यकरण कर लिया कि भाई हम सेना भी नहीं रखेंगे और एटॉमिक वेपन्स भी नहीं रखेंगे। अब वहाँ डिमांड हो रही है कि जापान को भी शक्तिशाली बनना चाहिए। अब जापान तो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है कि वो चाहे तो दो दिन में एटॉमिक बम बना सकता है, कभी भी बना सकता है वो। तो उसी तरह से ब्रिटेन भी देखिए, यूरोपियन कॉमन मार्केट में था, निकल गया अपना अलग। USA था, तो वहाँ ट्रंप साहब का आपने देख ही लिया कि वो दुनिया से उसको अलग करना चाह रहे थे। और टर्की में एर्डोगन हैं, तो वो टर्की को बाकी सब देशों से अलग कर। तो ये हम देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे, भारत पर हम अब आ रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे ये जो कुछ राष्ट्रवाद था, ये 21वीं सदी में अपना नया रूप लेकर के सामने आ गया है। तो ये तो हुई वैश्विक बात। अब हम बात करना चाहते हैं भारत में जो राष्ट्रवाद का इतिहास। तो सक्सेना साहब, आप कुछ और कोई गाइडेंस देना चाह रहे हैं क्या, कोई अलग प्रश्न वगैरह, या कंटिन्यू करूं? बिल्कुल ठीक है। तो भारत में साहब ये राष्ट्रवाद जो है
ब्रिटिश युग में हमारे यहाँ क्या कि एक नई शिक्षा आई। पहले गांव में पाठशालाएं या गुरुजी के पढ़ते थे, मौलवी साहब के पढ़ने जाते थे और वो धार्मिक चीज़ें रटा देते थे। नई शिक्षा आई तो हमने अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और जो है नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, मैथमेटिक्स, सारे विषय जब हमारे विद्यार्थी पढ़ने लगे तो उनकी आंखें खुली, उनका दृष्टिकोण जो है वैश्विक हुआ। तो एक तो हमारे यहाँ नई शिक्षा आई, उससे दुनिया भर का साहित्य हम पढ़ने लगे। अंग्रेजी में तो सब कुछ साहित्य है, तो वो हमारे अनुवाद भी हुआ और बाकी जो वो लोग पढ़ने भी लगे। तो उससे हमारे ब्रिटिश टाइम में खास तौर से बंगाल और महाराष्ट्र में और बाकी देश में भी एक जागृति आई, जिसको हम कहते हैं नवजागरण। तो हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन, केवल स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं था, केवल राजनीतिक अभियान नहीं था, बिल्कुल नहीं था ये। तो हमारा जिसको हम स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं वो नवजागरण काल था, उसमें हमारा नवजागरण हुआ। फिर एक ही भाषा सारे देश में हो गई, तो उससे क्या हुआ कि अब जैसे राजस्थान का आदमी है चेन्नई के आदमी से डिस्कस कर सकता है अंग्रेजी में, आप नागालैंड और मिजोरम के आदमी से बात कर सकते हो इंग्लिश में। तो एक इंग्लिश एक ऐसी लिंक लैंग्वेज हो गई कि जिसने बहुत बड़े इलाके को एक सूत्र में बांधा और उनमें परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हुआ। पश्चिम का ज्ञान हमको मिला है ना, और स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल और शिक्षा सेवाएं, ये पहले सरकार का काम नहीं था, व्यक्ति अपने हिसाब से अरेंजमेंट करता था। लेकिन ब्रिटिश टाइम में सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल खुले गांव-गांव में, और एक प्रकार का ये एक हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था एक लंबी अवधि की क्रांति थी। क्रांतियां जल्दी से घटित हो जाती है, लेकिन हमारा जो आंदोलन था ये इसमें 100 साल लग गए। तो वो अच्छा ही रहा है क्योंकि वो हमारे दिलों में उतर गया धीरे धीरे। अचानक जो होता है वो अचानक ही ख़त्म भी हो जाता है। तो हुआ क्या कि जब राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ चल रहा था, तो राष्ट्रीय आंदोलन में फिर ऐसी चीज़ें भी आती है, जैसे पुनरुत्थानवाद आता है कि अब साहब हमारा अतीत तो बहुत महान था, हम तो ऐसे थे वैसे थे और हमारे यहाँ हवाई जहाज भी थे और हमारे यहाँ जो है पुष्पक विमान, और हम तो हाथी का सिर आदमी के जोड़ देते थे, और हमारे तो ऐसे ऐसे वीर थे कि जो पूरे सूरज को निकल जाते थे, या इस तरह की जो बातें हैं वो इस तरह के लोग भी उस अतीत के गौरव में, जब हमको पता चला, जब अंग्रेजों ने अनुवाद किया हमारे ग्रंथों का और दुनिया में फैलाया, प्रचार हुआ और दुनिया ने प्रशंसा की उपनिषदों की और अन्य पुस्तकों की, रामायण महाभारत वगैरह, तो हम भी गर्व से भर गए। और फिर हम तो मतलब जो है हवाई जहाज से कम तो कुछ था ही नहीं हमारे यहाँ, इस पे आ गए। तो खैर उससे क्या है कि स्वाभिमान तो बनता ही है, झूठा सच्चा जो भी है। तो हमारे धर्म सुधार आंदोलन भी हुए ब्रिटिश टाइम में, ब्रह्म समाज बना जिसने मूर्ति पूजा मंदिर और ये अवतारवाद वगैरह खंडन किया, आर्य समाज बना उसने भी इन सब चीज़ों का खंडन किया, ये जो पौराणिक गाथाएँ हैं, अवतारवाद है, मूर्तियां हैं, मंदिर है, इन सब का खंडन किया। तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज बना जो सिर्फ प्रेयर पे ही सब कुछ, ईश्वर की प्रार्थना करो वही सब कुछ है। तो उसी तरह से प्रार्थना समाज और बहुत से धर्म सुधार आंदोलन भी हमारे यहाँ हुए। और प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो उससे किताबें बड़ी संख्या में छप गई और घर घर में पहुँच गई, और समाचार पत्र प्रेस घरों में आने लग गए। प्रेस सारी समाचार आपको सारी भारत में पहुंचाता था, तो उससे भी हमारे अंदर एक चेतना पैदा हुई। तो नया साहित्य भी लोग लिखने लगे, और ट्रेन रेलवे लाइन हमारे यहाँ ब्रिटेन में थी, हमारे यहाँ भी साथ साथ आ गई।
यहाँ तक कि यूरोप के अन्य देशों में नहीं थी रेलवे लाइन, तब तक तो भारत में आ गई, क्योंकि अंग्रेज थे तो उन्होंने वो सारी देश में ट्रेनें वो फैला दी, तो उससे पूरा देश आवागमन हो गया, मिलना जुलना हो गया, संवाद हो गया। तो फिर कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, तो ये भी पहले तो फिर आवेदन प्रतिवेदन का ही वो था, और हमारे बड़े बड़े जो उस समय के जो लोग थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी हैं और राणा डे हैं, ये देशबंधु हैं, चित्तरंजन दास हैं, ये सुनीति कुमार चटर्जी हैं, ये ऐसे थे कि ये कहते थे कि हमको ब्रिटिश साम्राज्य के साथ ही बने रहना चाहिए, हमको आज़ाद इनसे अलग नहीं होना चाहिए, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये साम्राज्य बना रहे। यह तो वो उन्होंने मतलब इस चीज़ को महसूस किया, लेकिन बाद में कांग्रेस में दो टुकड़े हो गए, जो है मॉडरेट्स और हार्डलाइनर, जो एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट रहे जब तक तो ये रहा, और जब हार्डलाइनर आ गए उसमें तिलक वगैरह थे, बाल, लाल, पाल, ये बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने सती प्रथा का भी समर्थन किया और बाल विवाह का भी समर्थन किया, क्योंकि साहब ये तो हमारी चीज़ें हैं, आप कौन होते हो बोलने वाले। तो इस तरह से, और जैसे पाल, तो पाल बाल लाल पाल, तो पाल ने बंगाल में दुर्गा पूजा का उत्सव शुरू किया जो एक महीने चलता है, तब से ही चलता है। तो और इस तरह से, और तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश पूजा और ये शुरू करी, शिवाजी पूजा। तो और उधर लाला लाजपत राय आर्य समाज में, तो वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज तो यही कहता है ना, तो उस तरफ वो नारा उन्होंने दिया। तो कुछ पुनरुत्थानवादी लोग भी ये थे जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे, तो उन्होंने हमारे आंदोलन को एक धार्मिक जामा भी पहनाया, और इस प्रकार से ये हमारे यहाँ हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के महात्मा गांधी भी आ गए, फिर बाद में 1915 में तो वो उन्होंने अपना प्रारंभ कर दिया भारत में, साउथ अफ्रीका से आकर के। तो फिर हमारा ये सेक्युलर लाइन पे ही चला कुल मिलाकर के हमारा आंदोलन, और हमारी जो भारत का आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसको हम भारतीय राष्ट्रवाद में भी शामिल कर सकते हैं, ये एक जो है वेलफेयर स्टेट वाला और शोषण से मुक्ति वाला, समानता और लिबर्टी, इक्वलिटी और भाईचारा, सब समान, इस पे चला। और हमारा राष्ट्रवाद 20वीं सदी तक तो यही था, लेकिन फिर बाद में जो भी धीरे धीरे जो परिवर्तन आए, वो तो सब आप मतलब आप सबको आपके सामने ही हो रहा है। तो उस पर तो अब 1992 से वो मंदिर मस्जिद विवाद वो तोड़ा गया, तोड़फोड़ हुई उसके बाद से, फिर लेकिन फिर भी जनता ने बाद में सेकुलर फोर्सेस कोई वो लाई जनता, लेकिन अंततोगत्व क्या होता है कि सरकारों की प्रचार शक्ति बहुत बढ़ गई है डिजिटल युग में। तो अब जो है हमने भी मतलब एक आंतरिक शत्रु भी ढूंढ लिया है और एक बाहरी शत्रु भी ढूंढ लिया है, तो वो सरकार अपनी शक्ति, अपना बल बढ़ाती जा रही है जन, और उसमें हमारी स्वतंत्रता का भी हनन हो रहा है। तो ये सब हो रहा है, लेकिन ये अन्य देशों में भी हमने देखा, तो उसी लाइन में भारत भी है। तो अब सक्सेना साहब मुझे बताएंगे कि कितना समय वो और दे सकते हैं, कितना समय आप 5-7 मिनट और करिए, और सकते हैं। तो अभी जो हाँ, तो वर्तमान में जो हम जिधर आ गए हैं, अब जो हमारा जो राष्ट्रवाद है, वो धीरे धीरे राष्ट्र से हट करके किसी एक, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे ट्रंप, या जैसे मान लीजिए जर्मनी में था, तो मैंने नाम पहले ले ही लिया था,
तो क्या होता है कि एक व्यक्ति को ही हम राष्ट्र समझ लेते हैं और किसी भी प्रकार की आलोचना वगैरह। तो आपने जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने इसमें अच्छा लिखा है 1984, एक उपन्यास है उसका, तो उसने बताया है कि किस तरह से जो तानाशाही शक्तियां हैं वो जनता को एक तो अतीत की महानता की तरफ ले जाती है और ये बताती है कि वो महानता वापस आ सकती है अगर तुम इन लोगों को हटा दो, लिबरल डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दो, तो वो महानता तो आ ही जाएगी क्योंकि हम तो हैं ही महान। तो एक तो ये एक रहता है इनका कदम कि वो स्वर्णिम दिन, और भाई मनुष्य जाति के दिमाग में सब जगह ये तो है ही कि भाई पहले बड़ा अच्छा, सब कुछ अच्छा था। जैसे आप देखिए कि यूरोप में पुराने ज़माने में ग्रीस में डायमंड एज सबसे पहले थी, हीरा हीरे डायमंड एज, फिर आ गया साहब गोल्डन एज, स्वर्ण युग आ गया तो उससे घटिया हो गया थोड़ा सा, और फिर आ गया सिल्वर एज, चांदी का युग आ गया, और अब आजकल जो है वो आयरन एज है। यानी मनुष्य जाति निरंतर बिगड़ती जा रही है, उसकी परिस्थितियां खराब होती जा रही है। हमारे यहाँ भी जो है ना सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है ही, और जैनियों में भी जो है ना सुखमा सुखमा जो पहला काल था, फिर सुखमा रह गया, फिर सुखमा दुखमा हो गया, फिर दुखमा सुखमा हो गया, फिर दुखमा हो गया, अब जो है दुखमा दुखमा। तो ये 6 युग माने तो सुख से दुख की तरफ, तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। इसमें हम इन लोगों को, इन धर्मों को दोष नहीं देते कि वो सोचता है कि पहले बहुत अच्छा सब कुछ था, और शायद इसका कारण ये है कि हर आदमी को अपना बचपन अच्छा लगता है, जबकि बच्चे को पूछो तो वो कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाऊं, उसकी इच्छा ही रहती ताकि होमवर्क भी नहीं करना पड़े, स्कूल भी नहीं जाना पड़े, पिटाई भी नहीं हो। तो ये तो वो जब, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो वो ही कहेगा कि बचपन तो बहुत आनंददायक चीज़ थी। तो वैसे ही हम भी ये महसूस करते हैं कि पुराना युग बहुत अच्छा। तो अधिकांश जो ऐसी तानाशाही शक्तियाँ होती है वो गौरवपूर्ण महान अतीत की बात करती है और उसके लिए वो इतिहास को भी बदल देती है, इतिहास में भी वो चीज़ें शामिल करने की कोशिश करती है कि भाई हम तो कभी हारे ही नहीं थे, वो इतिहास तो गलत लिख दिया जिसमें बताया गया था कि अमुक राजा हार गया अमुक सुल्तान से, हम तो हारे ही नहीं थे, हम तो जीते थे, या मतलब हमारी सर्जरी ऐसी थी कि जो आज भी नहीं है, ऑपरेशन हाथी और आदमी का सिर, तो इस तरह की जो, और हवाई जहाज, तो ऐसे ऐसे हवाई जहाज थे, मैंने पढ़ा एक पुस्तक में कि हमारे यहाँ तो प्राचीन समय में वैदिक जमाने में ऐसे हवाई जहाज थे कि उनमें एक सीट हमेशा खाली रहती थी, जैसे 300 आदमी बैठ गए फिर भी एक सीट खाली, अब उस पर कोई आ गया तो दूसरी एक सीट अपने आप खाली हो जाती थी, बन जाती थी, 400 आदमी आ गए तो वो भी सब बैठ गए फिर भी एक सीट खाली। तो ऐसे हवाई जहाज भी हमारे यहाँ हमने बना लिए थे और वो सिद्ध भी कर देते हैं, है ना। तो और आम जनता तो बात यह है कि इन ज़्यादा विस्तार में तो ज्ञान उनका होता नहीं है, तो वो मान लेती है कि हाँ भाई ऐसा तो रहा ही होगा। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, मैंने देखा कि आप जर्मनी में, इटली में, रूस में, चीन में, सब जगह प्राचीन गौरव की बात कर रही है सरकारें और जनता से अधिकार कम कर रही है और अपनी शक्ति बढ़ा रही है। तो प्राचीन गौरव को लाने की बातें, उससे हमारी वैज्ञानिकता तो कम होती है, हमको नुकसान होता है कि हम सोचते हैं कि भाई जब सब कुछ ही हम जानते थे तो अब नए खोजों की और नए ज्ञान की हमें ज़रूरत कहाँ है, तो ये हमारा नुकसान भी होता है इन बातों से, लेकिन फिर भी अब ये तो चलता है तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता। उसी प्रकार से तो ये सब चीज़ें और नए नए वादों की बौछार नई सरकारें करती हैं, खास तानाशाही सरकारें तो खास तौर से, और पूरा जो है जासूसी तंत्र, तो जासूसी तंत्र तो जब जब भी तानाशाही सरकार होगी, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी बहुत सारे चैप्टर तो जासूसी के ऊपर लिखे हुए हैं, और ऐसा उनको पढ़ने से लगता है कि हर आदमी के पीछे कोई जासूस था,
जो सम्राट को खबर पहुंचाता था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो प्राचीन किताब में। तो ये जब भी कोई शक्तिशाली सरकारें होती है तो जासूसी तंत्र जो है और सजाओं का तंत्र ये बढ़ जाता है। तो इस तरह से अब जो है हमारे यहाँ भी लिबरलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी के दिन अब ज़्यादा बचेंगे नहीं। और आगे क्या होता है, सारी पृथ्वी में सब देशों में हो रहा है, तो वही हमारे यहाँ भी हो ही रहा है और होगा। लेकिन ये चिंतन करने की बात है, ये जो बात ये सब आप है वो इसीलिए कि लोग चिंतन करें कि भाई राष्ट्रवाद जो है किस किस तरह का है, कैसे डेवलप हुआ, 20वीं सदी तक कैसे रहा, 21वीं में आकर के कैसे बदल रहा है, और हमारे ही नहीं सब जगह बदल रहा है। ये सब बातें सोचने की हैं। और मेरे ख्याल से जो जन सरोकार मंच है उसका मंतव्य भी यही है कि भाई लोग सोचना शुरू करें, ओरिजिनल अपनी थिंकिंग करें, तो प्रचार वगैरह इन सबसे ज़्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, पुस्तकें लोग पढ़ते नहीं हैं, पुस्तकें पढ़ना ही छोड़ दिया, पठन पाठन की रुचि खत्म हो गई है, और हम लोग चार चार लाइन आठ आठ लाइन व्हाट्सएप की पढ़ करके विद्वान हो जाते हैं, और यहाँ तक कि आइंस्टाइन जैसे आदमी से बहस करने लगते हैं कि तू गलत है, हमारा व्हाट्सएप तो ये कहता है। तो इन सब चीज़ों से हमको सोचना चाहिए और समझना चाहिए, यही सबसे हमारा निवेदन है। धन्यवाद। बहुत अच्छे उसमें सुलझे हुए स्तर पे आपने सारी बातों का खुलासा किया। बहुत बहुत उम्मीद है कि अपने श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे, और पुनः आपसे फिर आग्रह, ये मंच करेगा ऐसे ही किसी विशेष विशेष बिंदु पर फिर आप लाभान्वित करें हम सबको। आभार आपका। मैं तो आपकी सेवा में हाजिर हूँ हमेशा।